ग्यारह मुहर्रम का दिन निकला ना, तो मौलाना सज्जाद ने सारी फुफियों को, बहनों को, माओ को सवार करा दिया। नाका पे सब सवार हो गई। नाका की पुश ऊटने की पुश बुलंद होती है। जनाब जैनब ने मकतल में देखा लाशें पड़े, फिर मौला सज्जाद को देखा, कहा फतीजे ये क्या हालत बना रखी है। मौला सज्जाद के आंसू बह रहे, रंग सफेद पड़ गई। एक मरतबा जनाब जैनब ने पूछते नाका से अपने आप को गिरा दिया। बीबी का गिराना था मौला सज्जाद ने, कहा फूफी अल्लाह ये क्या किया आपने, अपने आप को नाका से क्यों गिराया। कहा फतीजे बस एक ही तो मर्द बचा है, हमारे पास कोई नहीं रहा। सज्जाद ये क्या हालत है। कहा फूफी अल्लाह खुदा किसी गैरतमंद बेटे को ऐसा कतला दिखाए, बूढ़े बाप का लाशा तब की रेत पे पड़ा हो, बेटे में ताकत हो, बाप को दफनाने की इजाजत न हो। बस भाई ताबूत में बरामद हो गया मौला सज्जाद का। जरा मेरे साथ मिलकर सब पहले का ताबूत आ गया, आप क्या कहेंगे? आप जन्नतुल बकी का रुख करके कहेंगे हाय सज्जाद अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। बस भाई ताबूत बरामद होना है, अगर ताबूत बरामद ना होता मैं इतना मसाइल ना पढ़ता। आप तो थक गए, ये मुसलसल होना बड़ा मुश्किल काम है। आंसू खुश्क हो जाते हैं, सीने में दर्द होने लगता, कमर टूटने लगती है। ये मुसलसल रोना सजदे सजाद का काम है, ये मुसलसल रोना जनाबे ज़ैनब कुबरा का काम है। भाई रोने में कोई पुकार ना करे, आखिरी जुमले दो मिनट में ज़हमतें कमा। मैं नहीं बताता अब्दुल मलिक इब्ने मरवान मलऊन ने इमाम को कैसे जहर दिलवाया। जब मौला सज्जाद को जहर दे दिया ना, मौला ने हर बात चाहता है मेरा जब आखिरी वक्त हो, मेरा सर मेरे बेटे के जानों पे हो। इमाम बाकर ने अपने बाबा का सर जानों पे रखा। बाबा कोई वसीयत है? हर आदमी चाहता है मेरा जनाजा शान शौकत से उठे, ऐसा नहीं है ना। हर आदमी चाहता है लोग मेरी मजलिस में आऊं। मेरा दिल कहता मौला सज्जाद ने कहा होगा मैं मेरे बेटे को हमद बाप है, बेटा मेरे जनाजे में ज्यादा लोगों को मत लाइएगा। बाबा बेटे की चाहत है बाप के जनाजे में लोग ज्यादा हैं, हर बेटा चाहता बाप के जनाजे में लोग ज्यादा हैं। इमाम सज्जाद ने कहा बेटा मेरी भी यही चाहत थी, लेकिन हाय Yeah.
भूल जाने से सारी